हिंसाओं के सैलाब में डूब गया गाजा। हमास पर होने वाला है सबसे बड़ा हमला। गाजा पर इजराइल का आखिरी वार। गाजा का हाल देख लीजिए, जहां देखिए वहां तबाही। इजराइल की एयरफोर्स और नेवी ने यहां पिछले एक हफ्ते में हजारों टन बम गिरा दिए हैं, जिसने यहां तबाही और बर्बादी ला दी है। लेकिन अभी ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में हमास को जड़ से मिटाने के लिए इजराइल ने जो तैयारी की है, वो गाजा में तबाही और बर्बादी की ऐसी सुनामी लाने वाला है जैसी दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं देखी गई होगी। तस्वीरें देख लीजिए। इजराइल की सेना ने गाजा की सीमा के पास जो मिलिट्री जोन तैयार किया है, उसमें इतना ज्यादा बारूद पहले से ही लाकर रखा जा चुका है, जिससे उत्तरी गाजा को कुछ ही घंटों में इजराइल समतल कर सकता है और हमास के आतंकियों को सुरंगों में ही दफन कर सकता है। इतने ज्यादा बम मारे जाएंगे कि गाजा मिट्टी में मिल जाएगा। जी हां, वही कसम जो इजराइल में रहने वाले हर एक यहूदी ने खाई, वही कसम जो नेतन्याहू और उनके हर एक सांसद और मंत्री ने खाई है, वही कसम जो इजराइल के विपक्षी नेताओं ने खाई है, और वही कसम जो इजराइल की सेना के एक एक जवान ने खाई है। हमास को मिट्टी में मिला देने की कसम, हमास के संपूर्ण विनाश की कसम। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजराइल ने बहुत बड़ी तैयारी की है, ऐसी तैयारी जैसी पिछले कई सालों में कभी भी नहीं देखी गई। इजराइल की सेना में 3 वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से द न्यूयॉर्क टाइम्स ने जाहिर किया है कि 17 साल बाद इजराइल का सबसे बड़ा हमला होगा। सबसे बड़े ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार है इजराइल। 2006 में लेबनान में किया था सबसे बड़ा हमला। गाजा में जमीन पर कब्जा कर सकता है इजराइल। 2008 के बाद पहली बार जमीन पर कब्जा करेगा इजराइल। गाजा के पास तैनात हैं हजारों की संख्या में इजरायली सैनिक। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक गाजा के आसपास इजराइल ने क्लोज्ड मिलिट्री जोन तैयार किया है, जहां 10,000 से 1,00,000 तक सैनिकों की तैनाती की जा सकती है, और इतनी ही संख्या में सैनिकों को लेकर इजराइल उत्तरी गाजा पर धावा बोल सकता है। मैप से समझिए, जितना बड़ा गाजा है उससे कहीं ज्यादा बड़े इलाके को इजराइल ने क्लोज्ड मिलिट्री जोन घोषित कर दिया है। यानी ये वो इलाका है जहां पर सिर्फ और सिर्फ सेना ही रह सकती है। आम नागरिकों को यहां से निकाला जा चुका है, और इस जोन में इजरायली मिलिट्री अपने टैंकों, बख्तरबंद वाहनों, तोपखानों, सेना के अटैक हेलीकॉप्टरों और रॉकेट लॉन्चर्स के साथ साथ पैदल सेना और स्पेशल फोर्सेस ने मोर्चा संभाल लिया है, और कभी भी उत्तरी गाजा में जमीनी हमले का ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। इस हमले को अंजाम देने से पहले ही इजराइल ऐलान कर चुका है कि वो गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगा, और यह हमला बहुत ही भयावह होने वाला है। इजराइल की सेना ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि गाजा शहर में रहने वाले आम लोग वहां से निकल जाएं और दक्षिण में पनाह लें, जहां अपने ऑपरेशन के दौरान इजराइल की सेना हमला नहीं करने वाली। लेकिन अगर कोई भी गाजा शहर में रुका तो वो अपने लिए मौत को दावत दे रहा है, और इसके लिए इजराइल ने 48 घंटे पहले अल्टीमेटम दे दिया था। Hamas terrorists are hiding in Gaza City inside tunnels, underneath houses and inside buildings populated with innocent Gazan civilians. Civilians of Gaza City, evacuate south for your own safety and the safety of your families, and distance yourself
from Hamas terrorists who are using you as human shields. And the last paragraph, in the following days, the IDF will continue to operate with significant force in Gaza City and will make extensive efforts to to avoid harming civilians. इजराइल की सेना ने जब ये अल्टीमेटम जारी किया और अरबी भाषा में गाजा के लोगों तक संदेश पहुंचाए, उसके बाद वहां भगदड़ मच गई। हमास के आतंकियों ने लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन आम लोगों ने जो बर्बादी अब तक देखी है, जितनी मौतें देखी हैं, उसके बाद वो इस अल्टीमेटम को हल्के में नहीं लेना चाहते। इसराइल ने पिछले 8 दिनों में गाजा पर हजारों टन बम बरसाए हैं, करीब 8,000 हमलों को अंजाम दिया है। कहने को तो इसराइल ने हमास के आतंक के ठिकानों को निशाना बनाया है, लेकिन इस हमले में गाजा में आम लोगों की भी जान गई है और मौत के ऐसे मंजर को जिसने भी करीब से देखा है वो अब गाजा में रुकना नहीं चाहता। करीब 2 लाख लोग पहले ही विस्थापित हो चुके हैं और अभी लाखों की संख्या में लोग गाजा की सीमा से बाहर जाने के लिए बेताब हैं। इसराइल की सेना ने उन्हें दक्षिण गाजा में जाने के लिए कहा, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा कोई नहीं जानता। ये जंग कितनी बड़ी होगी कोई नहीं जानता। ऐसे में गाजा के आम लोग अपनी और अपनों की जान बचाने के लिए अब गाजा से भागने लगे हैं।